आ गया आ गया वो ईदी लेने आ गया हाफ गुड फुल्ली मैच। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस हम बातें करेंगे आज राधे योर मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान बोले तो अपने भाईजान बोले तो बॉलीवुड के दबंग खान बॉलीवुड के सुल्तान बॉलीवुड के भाईजान। तो गाइस क्या है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के न्यूज़ से आपको आज खबर बताऊंगा दोस्तों। सत्यमेव जयते जॉन इब्राहिम की मूवी दोस्तों आपको बता दूं कि ये मूवी हो रही है पोस्टपोन्ड। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि ये मूवी पोस्टपोन्ड होने वाली है और इसकी ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट आपको बहुत जल्द मिलने वाली है क्योंकि इसके मेकर्स लोग ने खुद 2021 ईद डाल चुके थे एक पोस्टर के साथ दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं अभी फाइनली जाके राधे की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सलमान खान ने बोल दिया कि एक बार कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो उन्होंने कह दिया कि ईद पे आऊँगा तो आऊँगा क्योंकि सलमान खान ईद पे लगातार 2009 से आ रहे हैं दोस्तों। तो आपको बता दूं कि जॉन इब्राहिम की ये मूवी हो सकती है पोस्टपोन्ड। जी हाँ दोस्तों बहुत बड़ी खबर बोले तो यार इतनी बड़ी दो फिल्में अगर क्लैश करेगी तो यार ऑडियंस कहाँ जाएगी और माहौल देखो अभी क्या चल रहा है हमारा देश का कौन देखेगा। अभी साले मूवी देखने तो कोई जा नहीं रहा है साहब क्या पता किसी के पास पैसे नहीं है लोग वॉच नहीं कर रहे हैं मूवी को और बड़ी बड़ी फिल्में आने से डर रही है इसकी वजह क्या पता है आप लोगों को ऑडियंस क्योंकि ऑडियंस बराबर से मूवी को देख नहीं रही है दोस्तों। अगर ये मूवी बड़ी बड़ी मूवी अगर साथ में क्लैश हो जाएगी तो पहला अगर नुकसान तो होगा दूसरा को भी नुकसान हो जाएगा ना दोस्तों। इसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया जाएगा दोस्तों और एक मूवी साइड हो जाएगी सलमान खान की नहीं दोस्तों सत्यमेव जयते टू साइड होगी क्योंकि उसकी ना पोस्टर आया ना ट्रेलर आया ना टीजर आया अभी कुछ भी नहीं आया दोस्तों अभी भी उसकी शूटिंग शुरू है। तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि राधे योर मोस्ट वांटेड मूवी इस पर ही आएगी। बात सही है यार मतलब कि अगर दो दो फिल्में क्लैश करती है कहीं ना कहीं नुकसान हो ही जाती है दोस्तों। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं सत्यमेव जयते 2 के मेकर्स लोग जो इसको बोले तो अपना पोस्टपोन कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आप लोग दोस्त। तो बस भाई इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय महाराष्ट्र।